दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक ऐसा अनुभव और साधना है जो स्वयं चैनल मोनेटाइजेशन में चैनल मेंबर बन चुके हैं और वो चूंकि यह यूएसए जा रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि मेरा नाम पता वगैरह ना बताया जाए क्योंकि इस तरह के अनुभवों को किसी को बताने से हो सकता है उसके दुष्प्रभाव देखने को मिले। तो चलिए उनकी बात को मानते हुए और साथ ही साथ जो लोगों ने भी चैनल मेंबरशिप ली है उन सबका धन्यवाद, जैसे कि अनीश ठक्कर जी हैं, वीना पाठक जी हैं, रोहित मिश्रा हैं और जो ये अभी जिन्होंने अनुभव भेजा है, इन्होंने जिनका नाम बताने को मना किया है। इसके अलावा जो लोग भी चैनल मेंबरशिप लेते हैं उनके आगे आप देख रहे होंगे एक एस कलर का हरे रंग का शाइन दिखाई देता है, उससे पता चलता है कि इन्होंने चैनल मेंबरशिप ली हुई है। तो इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि अगर ये कोई अपना अनुभव भेजते हैं तो उसको पहली वरीयता दी जाएगी क्योंकि इन्होंने चैनल मेंबरशिप ली हुई है। इसके अलावा अगर कोई विशेष समस्या है या कोई विशेष बात है तो भी वो संपर्क कर सकते हैं और उनको जो है ईमेल के माध्यम से जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई विशेष विषय पर इन्होंने वीडियो बनवाने की सोची है तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा और वो वीडियो भी इनके लिए ज़रूर तैयार किया जाएगा। तो जो लोग भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो चलिए इन्होंने जो आज अनुभव भेजा है अपना उसको पढ़ते हैं और सुनते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि कुछ भी इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कीजिए क्योंकि किसी की ज़िंदगी का मामला है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से श्री गणेश सहस्त्र नामावली साधना और उनके अनुभव उनके लिए अच्छे सिद्ध हुए। नमस्कार गुरुजी, सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ और बार बार धन्यवाद देता हूँ कि आप सनातन परम्परा को इस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं। चूँकि मुझे यूएसए जाना था इसलिए मैं जल्दी यहाँ से निकल गया हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस अनुभव को जरूर प्रकाशित कीजिए। हालांकि मेरे पत्र और बाकी चीज़ों को किसी भी प्रकार से मत बताइएगा। आप चाहें तो सीक्रेट वीडियो भी इसे बना सकते हैं लेकिन मेरी समझ में सभी लोग इसका अनुभव प्राप्त कर सकें इसलिए मैंने इस प्रकार से लिखा है। ये बात आज से लगभग 3 महीने पुरानी है। काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो गया था और कर्जा पूरी तरह से उतर भी नहीं रहा था, बड़ी ही समस्या थी। और फिर आपसे मैंने पूछा कि क्या मैं गणेश भगवान की साधना कर सकता हूँ गुरु मंत्र के बाद में, तो आपने बताया था कि आप जो है गणेश सहस्त्र नामावली साधना कर लीजिए और इस साधना को आप अगर करते हैं 41 दिन तक तो आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो फिर आपकी बात को मानते हुए मैंने फिर ये साधना की थी। तो मेरे अनुभव इस प्रकार से रहे हैं गुरुजी कि सबसे पहले जब आपने कहा कि गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करिए और फिर उसे हल्दी से पूरी तरह से रंग दीजिए, मैंने वही किया और उसे रंग के उसके बाद फिर उसको प्राण प्रतिष्ठा करके जो साधारण विधि होती है उसी प्रकार से उसको स्थापित करवाया। और उसके बाद फिर आपने कहा था कि इस मूर्ति को इस प्रकार से पूजित करना है कि जब पूजा हो जाए तो उसके बाद पीले कपड़े से इसे ढक देना है, फिर से किसी को देखने नहीं देना है। बिल्कुल मैंने वैसे ही किया और मैंने फिर आप जैसे साधना करने के लिए मैं कमरे में बैठता था मैं कमरा बंद कर लेता था और उसके बाद पीली चादर जो है उसके ऊपर उड़ा दिया करता था और जब फिर से पूजा करनी होती थी तो फिर मैं उस चादर को हटा देता था। कमरा पूरी तरह से लॉक था, इस बात का मैंने ध्यान रखा था जैसे कि आपने कहा ही था कि कमरा पूरी तरह से लॉक रखना। और फिर मैंने इस प्रयोग को किया और इन जो आपने 1000 नाम इनके बताए हैं वो सारे नामों का इसी प्रकार से जप करते था मैं। और फिर एक दिन अचानक से वहाँ पर जहाँ पर मैं बैठा हुआ साधना कर रहा था एक काफ़ी बड़ा सा चूहा आ गया। चूहे को देख करके मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, मैं सोच रहा था कि कहीं ये साधना जो है विघ्न बाधा ना स्पष्ट कर ले और कहीं, क्योंकि उनका ये वाहन माना जाता है इसलिए मुझे इस बात का बड़ा ही अचंभा लग रहा था कि भगवान गणेश जी आखिर अपने वाहन की क्यों जो है परेशानी में उसको फंसाएंगे और वो खुद भी ऐसा क्यों करेगा। लेकिन चूँकि हम जानते ही हैं कि सांप को तो भले ही किसानों का मित्र माना जाता हो लेकिन चूहे को कभी नहीं माना जाता है, और हुआ भी वैसे ही। जितने मोदक मैंने भगवान गणेश के लिए बनाए थे और मैं अर्पित करने जा रहा था, जैसे कि आपने कहा था कि 1000 मोदक आपको अर्पित करने हैं, मैंने पूरी तैयारी के साथ बनाए थे, उनमें से एक मोदक वो चुरा लिया और उसे उठा करके भागने लगा। मैंने तब तक सहस्त्र नामावली पूरी कंप्लीट कर ली थी
लेकिन आपकी बताई हुई बात को ध्यान रखते हुए कि पहले पूरी पूजा हो जाए उसके बाद ही कुछ करना है, फिर मैं उस चूहे के पीछे भागा। आप तो जानते हैं कि पिछले कई दिनों से जब मैं साधना कर रहा था तो वो साधना धीरे धीरे करके सिद्धि की तरफ बढ़ रही थी और मुझे विशेष तरह के स्वप्न अनुभव भी हो रहे थे जिसमें अजीब अजीब तरह की चित्र और चीज़ें दिखाई देती थी। एक बार मैंने देखा कि एक विशालकाय हाथी एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है और जब वह नीचे नीचे सरकने लगा, वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था, तो मैं उसके पीछे जाके खड़ा हो गया और उनसे कहने लगा कि आप अपनी सूंड का इस्तेमाल कीजिए और जो भी पेड़ आए उन्हें अपनी सूंड से पकड़ लीजिए, फिर आप चढ़ पाएंगे। और उन्होंने ऐसे ही किया और वो हाथी उस पर्वत शिखर के ऊपर पहुंच गया। मैं भी उनके साथ साथ उस पर्वत शिखर पर पहुंचा जहां पर एक अदम्य सा प्रकाश था। चारों तरफ सफ़ेद रंग का प्रकाश दिखाई दे रहा था। आकाश में जब मैं देखता था तो मुझे बड़ी ही खुशी होती थी। मैं देखता था कि चारों तरफ श्वेत रंग का प्रकाश फैला हुआ है। वहां से दुनिया छोटी नजर आती थी। शायद यही वास्तविकता है जो भगवान गणेश मुझे दिखाना चाहते थे। मैंने भी यही सोचा कि परेशानियों से घबराए नहीं है बल्कि उस पर चढ़ने की आवश्यकता है और जो भी वहां पर स्तंभ कहीं ना कहीं कोई ना कोई खड़ा अवश्य होगा, उस स्तंभ को मुझे पकड़ना होगा, उसको उसका सहारा लेना होगा। तो गुरुजी, इस बात को यहीं पर रोककर मैं आगे की बात आपको बताता हूँ कि जब उस चूहे ने मेरा मोदक अंदर जाके कहीं छुपा दिया, मैं उसके ढूंढने लगा क्योंकि साधना मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। मैंने प्रणाम भगवान गणेश को किया और कहा कि आपका छुपा हुआ मोदक मैं अवश्य लेकर के आऊँगा। और मैं फिर आखिरी दिन की जो पूजा थी 41वें दिन की, उसके बाद ही ये सब घटित हुआ था क्योंकि बाकी दिन तो सिर्फ स्वप्न ही आए थे। इस आखिरी दिन की साधना में उस चूहे ने सारा काम बिगाड़ दिया था। मैं ढूंढने लगा कि आखिर चूहा गया कहाँ होगा। मैंने घर वालों को कहा कि सारे खिड़की दरवाजे बुरी तरह से बंद कर दीजिए और जहाँ पर भी कोई छेद हो उस जगह पर आटा वगैरह डाल दीजिए अच्छी तरह से, और वो आटा वैसा वाला आटा होना चाहिए जो गीला होता है ताकि वो जगह बंद हो जाए। सब ने यही किया और हम लोग इस बात की तैयारी करने लगे कि किसी भी प्रकार से उस चूहे को पकड़ना है क्योंकि नियम के अनुसार अगर आपने जैसा बताया था कि 1000 लड्डू अगर यानी कि उनके सामने नहीं होंगे, चाहे वो मोदक के रूप में हो चाहे आपके लड्डू के रूप में हो, जैसा कि आपने कहा था, दोनों ही रूपों में आप जो उनके सामने रखेंगे वो पूरे के पूरे अगले दिन तक वहाँ पर उपस्थित रहने चाहिए, तभी आपकी पूजा कंप्लीट होगी। तो मैंने इतने सारे बनवाए थे तो उनको उठा करके ये चल दिया था। अब मैं ढूंढने लगा तो वो कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी मैंने प्रार्थना की गणेश भगवान से कि इस प्रकार तो मेरी साधना विफल हो जाएगी। और देखिए, एक चमत्कार देखने को मिला, हालांकि उसमें भी बड़ी सी चीज़ें ऐसी हुई जिनके बारे में मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ होगा, लेकिन कहते हैं ना, हर प्रकार से जब आपका कार्य बने तो अच्छी ही बात होती है। हमारे घर में किसी प्रकार बिल्ली आ गई थी और वह बिल्ली इधर उधर दौड़ रही थी। तभी मैंने देखा वह बिल्ली एक कोने में हमारा जो बिस्तर है उसके नीचे घुस गई और वहाँ से वो बगल में होती हुई खिड़की और अलमारियों से किसी ऐसे स्थान पर पहुँची जहाँ हमें एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी। और उस तेज़ आवाज़ से हमें समझ में आ गया कि लगता है बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया है और वह बिल्ली उस चूहे को उठाकर भागने लगी। जब वो भाग रही थी तभी उस चूहे के मुँह से वो लड्डू वापस गिर गया और मैं उसे उठाकर धो धा करके फिर से मैंने गणेश भगवान के सामने रख दिया, ये सोच के कि कैसा भी हो आखिर आपका ही प्रसाद है और हम तो सब आपके भक्त हैं और अगर ये जूठन है तो इसे मैं ही खाऊंगा। मैंने यही प्रार्थना की और कहा, प्रभु इस प्रकार मेरी पूजा किसी भी प्रकार से संपन्न करवा दीजिए क्योंकि मेरी सामर्थ्य आपके पूजा करने की भी नहीं है और आपसे परेशानियों में घिरा होने के कारण ही मैंने ये सब साधना और उपासना की थी। इस प्रकार जब मैंने प्रार्थना साधना की और फिर दशांश हवन मैंने वहाँ पर किया, हालांकि दशांश हवन इसे मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि एक ही बार मैंने उसे किया था और उसके आगे स्वाहा शब्द लगाया था। जहाँ जहाँ उनके आगे नमः लिखा होता है वहाँ वहाँ मैंने स्वाहा शब्द लगाया। इस प्रकार से जब मैंने वह बात पूरी तरह कंप्लीट कर ली और मैं इस बात की तैयारी करने लगा कि चलो इस प्रकार पूजा तो कंप्लीट हुई है, क्या प्रभु गणेश मेरे पर प्रसन्न होंगे और क्या हमारी समस्याएँ हल होंगी या नहीं होंगी, यही मैं सोच रहा था। फिर अचानक से ही मैंने देखा कि जो बिल्ली जिसने उस चूहे को पकड़ लिया था वह वहाँ से ऊपर से जा रही है और उसकी आंखों में मुझे अजीब सी एक पीले रंग की लाइट दिखाई दी। लोग सोचेंगे कि यह सब क्या है, हो सकता है मेरा यह भ्रम हो,
लेकिन मैंने उसकी आंखों में सचमुच में एक पीले रंग की लाइट देखी और उसके बाद उस चूहे को लेकर के वो शायद गई होगी और उसे खा गई होगी। लेकिन वह चूहा कौन सी मुसीबत था जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ हुआ। अगले दिन पूजा उजा संपन्न करने के बाद हमने लड्डू और प्रसाद सब बांट दिया और वही लड्डू जो लड्डू गंदा हो गया था मैंने उसे खा लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई भी किसी जूठी चीज़ का जो है भोग वापस जो है ग्रहण करे। इसलिए वो मेरा ही प्रसाद मैंने माना था उसे और मैं उसे खा गया। इस प्रकार से मैंने भगवान गणेश को धन्यवाद किया और उनकी बारंबार वंदना की और अंतिम बार उनकी सहस्त्र नामावली को पढ़ा। बस यहीं से भी एक चमत्कार घटित हुआ। अगले दिन जब मैं अपने कार्यक्षेत्र में पहुंचा तो पता चला कि जो हमारा पुराना फंसा हुआ पैसा था वह व्यक्ति आ गया है और वो कह रहा है कि मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। ये मेरे लिए बड़ी ही अजीब सी बात थी, क्योंकि कल तक जो व्यक्ति यूं ही टाल मटोल कर रहा था वो टाल मटोल नहीं कर रहा था। उसकी बात को सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और मैंने जो धन था वो धन एक ही दिन में उसने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद फिर अचानक से ही एक और प्रोजेक्ट मेरे सामने आया जो यूएसए का था और उसी के साथ मैं यूएसए की तैयारी कर जाने की तैयारी करने लगा। आज मैं यूएसए जा रहा हूँ और एक बार फिर से सेटल हो चुका हूँ। पुरानी जितनी भी समस्याएं थी लगभग सारी हल हो चुकी हैं और यह सब कुछ हुआ है भगवान गणेश की सहस्त्र नामावली साधना के द्वारा। तो मैं यही दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि अगर भगवान गणेश की सहस्त्र नामावली साधना आप करते हो तो निश्चित रूप से भगवान गणेश आपकी सहायता जरूर करते हैं। प्रथम पूज्य हैं, इस कारण से आप इनकी साधना गुरु मंत्र के साथ अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जी के कहे अनुसार गणेश भगवान की साधना पहले की जाती है, इसलिए गुरु मंत्र से भी पहले उसकी साधना होती है। इसी कारण से मैं गणेश भगवान की जो छोटे मंत्र हैं उनको छोड़ करके मैंने सहस्त्र नामावली साधना के विषय में गुरुजी से पूछा था और उन्होंने इस तरह से एक छोटी सी विधि मुझे बताई थी। उनका विशेष धन्यवाद। मैंने आपके चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर ली है और साथ ही साथ मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि सभी लोग जो है गुरुजी के चैनल से अवश्य ही जुड़ जाएँ और उनकी चैनल मेंबरशिप भी जरूर ले लीजिए, ताकि वो आपको पर्सनली कुछ ना कुछ विशेष बातें जरूर बता सकें और जो गोपनीय वीडियोस हैं आने आने वाले जिनके बारे में उन्होंने पहले ही उल्लेख किया हुआ है एक साल पहले से, वो सारे आप लोग जरूर देख पाएंगे। गुरुजी का एक बार फिर से धन्यवाद और धर्म रहस्य चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो ये देखिए इनका ये अनुभव रहा और बहुत ही अच्छा इनका अनुभव है, जिसमें गणेश भगवान की सहस्त्र नामावली साधना के द्वारा इन्होंने एक अच्छा मुकाम पाया और अपना कार्य सिद्ध किया। अगर आप चाहेंगे तो मैं सहस्त्र नामावली पर अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा, अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो। इसके अलावा जो लोग चैनल मेंबर हैं अगर कोई विशेष मांग करते हैं तो वो भी जरूर पूरी की जाएगी। और कौन मेंबर बना है अगर आपको देखना है तो हमेशा बहुत ही सरल सी विधि है कि उनके नाम के आगे एस डॉलर का चिन्ह होगा हरे रंग का जो आपको देखने को मिलेगा और उससे पता चल जाएगा कि ये पहले से इन्होंने मेंबरशिप ले रखी है। तो आप लोग इसी प्रकार आध्यात्मिक के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें और साथ ही साथ आपके जीवन में भी बदलाव आए और ये दूसरा स्टेप है। इसी तरह मैं कई सारे स्टेप लेते जाऊंगा और आगे चल के फिर हमें उन कार्यों को भी करना है जिन कार्यों से सभी के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हों, साथ ही साथ हम लोग आध्यात्मिकता में उच्च श्रेणी में पहुँच सकें। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।